टॉप करना कितना जरूरी है, इसको लेकर एक कंपटीशन चल रहा है समाज में, जिससे जेलसी और डिप्रेशन बढ़ रहा है। कंपटीशन ठीक है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। देखो कंपटीशन को ऊपर ही रख लो, उसको बहुत गहराई में मत उतरने देना, नहीं तो तुम्हारा चैन वो बैठोगे, नींद नहीं आएगी, तबीयत बिगड़ेगा, बहुत समस्याएं आएगी। कंपटीशन को जेलसी में नहीं बदलने देना चाहिए। आज तक जेलसी से कोई किसी चीज को हासिल नहीं किया, नुकसान ही हुआ। बहुत बढ़िया। इसलिए आपको जेलसी होता है तो आप जरा अपने भीतर का सेंसेशन को देखो और थोड़ा प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, और ये जानो एक चलो उसका भाग्य, उसको जो मिला मिल गया, मुझे भी मिलेगा जो मुझे चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप तरक्की करते हो, आपकी आप आगे बढ़ते हो, आपका तरक्की को देख के, प्रगति को देखकर कोई और व्यक्ति आप पर ईर्ष्या करे तो आपको पसंद आता है क्या? नो। व्हाट डू यू वांट देम टू डू? दूसरों को, दूसरों के बीच में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप चाहते हैं आपकी प्रगति से वो भी खुश हो जाए, है ना? इस बात को याद रखना, यदि मैं उस व्यक्ति के प्रगति से मैं दुखी हूं तो मेरी प्रगति से वो भी दुखी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। सो जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दिस, इस बात पर ध्यान दीजिए। I don't want anybody to be jealous about me, then why should I be jealous about others? Right? दोस्ती कर लो और उनको अपना दोस्त मान लो, जो आगे बढ़ रहे हैं वो अपना दोस्त है, अपना दोस्त अपना मित्र आगे बढ़ते हैं तो हम उन पर ईर्ष्या करते हैं? No. So, किससे ईर्ष्या करते हैं? जो अपना मित्र नहीं है उनको मित्र बनाने में क्या दिक्कत है? सक्सेसफुल लोगों के साथ मित्रता बना लो। गुरुदेव मैं खुश हूं और अपने जीवन में संतुष्ट भी, क्या धर्म और अध्यात्म के पथ पर चलना जरूरी है? भाई धर्म क्या चीज है? जो तुम्हें सुकून दे